आने वाले हफ्ते सारे पता लग जाना ये कहो जी स्कीम कर रहे हैं। सिद्धू जिहड़ा एक सादगी का सिंबल सी और हर एक आवाम के मन के छाप है उस चीज तो औखे बहुत हुए हुए ये चाहते हैं जी उसकी छवि है ओनू जीरो किया जाए किसी तरीके ओते कठिया इल्जाम लाए जाए किसी तरीके ओते गैंगस्टरां लिंक साबित किए जाए किसी तरीके तो सो बहुत हथकड़ियां कर दिए हैरान ना हो कोई ऐसा दी आडियो वीडियो कोई तुहाडे सानू गुप्त पेश कर दे इलेक्शन तो पहला खास करके क्योंकि ना ताप चढ़िया पे है कि परिवार ने जलंधर शिरकत करनी है लोगों को अपील करने वास्ते मैं पहला भी इन्हें क्लीयर किया भी मेरा किसी विशेष पार्टी के नाल कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी पार्टी को विशेष रूप फायदा पहुंचाऊंगी उसे जाना मैं केवल गवर्नमेंट का विरोध कर रहा जिन्होंने मेरी गल नहीं सुनी और सुन तो इनकार भी हो रहे हैं सगो होर बहाने लभन की कोशिश कर रहे हैं कई गल समय के गर्भ च ने मैं तुहानू हाले नहीं दस सकता क्योंकि मैं खदशा भी हो सकता सच्चाई भी हो सकती जो मेरे तक पहुंचती है जैसा मैं सुनना जो मेरे जहन च कितों ना कितों मैं जानकारी मिलती है पर बिना पक्के पैरी होना होए तो गल जी अनाउंस कर दी है वो भी गल कोई सवाल वाली गल नहीं क्योंकि आप किसी चोन रैली संबोधन नहीं कर रहे आप सत्र से बैठे आप दुख की गल कर पिछले दिन इन्होंने एक एम एल ए की देखी होनी है इंटरव्यू देवमान जी घटो घट मैं कहना भी तुम्हें लोगों ने एम एल ए बना के भेजे तो अपन जिम्मेवार का एहसास तो होना चाहिए माड़ा मोटा भी असं मूह चो गल की कर रहे हैं उन्होंने पत्रकार पूछ रहा है भी सिद्धू मूसेवाल ने जी सिक्योरिटी बारे जो किया वो किया सरकार का सरकार का भी कसूर है वेपर वो नहीं लेके गए उल्ट प्रूफ गड्डी वो नहीं लेके गए कहते असं की कर सकते हैं मैं उस भले मानस को पूछना चाहना भी 15 दिन सिद्धू के बाल पूरे तुहाडियां असले ना लदियां हुई गड्डियां सड़क के उत्ते रेकी करते रही ये जिम्मेवारी किहदी सी कनेडा तक एक 47 तक एक 94 तक पता नहीं की कुछ तुहाडे कहण मुताबक उहदे विच आया इन्होंने घर नूं खाड़ा बना लिया भी किसी टाइम भी बाहर निकलूगा शूट कर देंगे जिम्मेवारी किहदी सी ये सड़कां मेरियां सिद्धू ने कराउणियां सी जब थोड़ी बहुती तो शर्म मनो तुम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो थोड़े थोड़ी निकली है लाटरी थोड़ू लोगों ने चुने नहीं है थोड़ा हिसाब चाली गल ठीक है 5 साल तुम करो मनाइया करो जो तो होंगे पर इन्हें गैर जिम्मेवार ना मैं सीएम साहब को बेनती करता भी इन्होंने मूह सुनते रख माड़ा मोटा कदे 3 MLA बोल गए इस मामले के उत्ते जेडे कहते कोई जिम्मेवारी नहीं है सोशल मीडिया के उत्ते मैं थोड़ा संगत चैट दिखा सकता भी जेड़ा इन्हों का डायरेक्टर है वह कहता मैं सीएम साहब ना गल कर लूंगा दशक कर दो सारे ग्रुप निकाल दो 424 बंदे की सिक्योरिटी रिलीज हो गई मेरे को चैट है फोन मेरे को है कोई पत्रकार भी प्रेस वाला मैंने कहे दिखा मैं दिखा सकता पहली गल कहते को ही ने सारी सारी चैट वह कोई जिम्मेवारी कबूरने की कोशिश नहीं कर रहे भी असी गलती की है इलेक्शन वाले दिन तो सारी सिक्योरिटी हट गई थी सर संघ जी 9-10 दिन साढ़े को एक भी संतरी नहीं सी पर सू किसी ने मारिया नहीं सी क्यों नहीं मारिया सी क्योंकि किसी को पता नहीं सी साडी सिक्योरिटी बारे कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई सी भी असं कले हैं जी साढ़े को 10 बंदे ने और जो 28 को उन्होंने अनाउंस करता 29 को कहते 10 घंटे नहीं पैन देते उदो पहले मेरा बच्चा मारता वो जिम्मेवारी तो की लेनी है सगो कई बार मैं भाव हुआ मेरे तो कोई पुट्ठा टप्पा निकल जाता मुझे मैं बहुत जबान से कंट्रोल करता मैं इन्हों ना बोला और वो देव मार कहना मैं तो सैकल से फिर मैंने तो कोई मारे जो मेरे को जो कुछ निकल तेन जानता कौन है तू है की चीज है तेन कोई कह दो मारे तो तेरे पल्ले की है तू कह दवाई करता है
ठीक है लोगों ने गुस्सा सी पार्टी का तो लोगों ने करता सू चेता वो दुनिया की सेलिब्रिटी सी संसार भर के झंडा चलाया उन्हें आपका इंडस्ट्री का 50% तो वध शेयर सिद्धू को मारिया उन्हें चूल्हे ठंडे करते अखौती कलाकार जिसे घर वेले बैठे तान मारिया उसके पिछे कोई सपोर्ट नहीं सी वो एक सधारण जिमीदार का बच्चा सी ओनू तान मारिया ठीक है। आ तुसी देखो सजा पूरी करी कट्टी बैठे ने मनजीत सिंह जे अगले एमपी ने ना 14 से 28 साल होने के बाद भी नहीं छुट्टन देंगे क्योंकि अगले लीडर ने लीडर जाके लीडर ना रिश्तेदार दिया कंध लेंगे कि मैंने कहा लिहाज जब नहीं है मेरे वर्गा बूथले वर्गा बंदा कि लिहाज करूं वो विधवा थोड़ी बहुत शर्म करो तुसी थोड़े बहुत जो कमेंट लिख दूर थोड़ी बहुत शर्म कराया करो। मैं कल शहीद फौजी के घरे जाके वो बच्चिया मेरे गल चिमड़ के रोईया ने पर कुछ कुत्ते बंदे गल कह रहे ने यह मुख्यमंत्री बनू फिर हाले 27 की चोणा होनी ने बच्चा अगले का अज मरिया वो मैनू पता है मेरी आंदरा खिंच पई है अगले भी दो भेन का भाई कल अभी तो सड़ के घरे आ गया मेरे तो यहां नहीं गया इतने भी मैं जवाकों गल ना लाव जाके मैं चला गया की गलती होगी इस गल के पिछे ठीक है ज्यादा हरेक बंद कमियां हो मेरे भी तुम जो कमियां लगोगे 50 लग जाएगी पर हर एक गल सत्थर ना कमेंटा जोड़िया करो जो थोड़ा सिंगल कमेंट भी गलत आता ना मन में दुख होंगे जो मैं इलेक्शन खड़ा होगा मैं दे चलो बार लिया गई कोई मैं गुस्सा नहीं ना मैं पढ़ा फिर कौन की कहना पर यार सारी चीज इलेक्शन सारी चीज मंत्री सारी चीज अहदे नहीं होंगे ठीक है अहदे दे गए अकाल पुरख वाहगुरु अहदे दिते मैं परमात्मा ने मेरा दो कमर के मकान चो उठ के दुनिया के राज करके गया अहदे दिते मैं मेरे पुत ने मेरे सारी उम्र बरकरार रहेंगे और मैं इस योगा किया कि सधारण व्यक्ति पंचायत सरपंच लैवल का बंदा दुनिया के सिर उठा के जो है दी है मैं ताकत मेरे पुत ने और मैं मरे हुए से भी हमेशा माण है आज थोड़िया एमएलएशिप है जिन्होंने मैं ठोकर नहीं मारता और थोड़ा 5 साल उन्होंने लोगों ने कुत्तिया वी गलिया फिरोंगे थोड़ा किसी ने सत श्रीकाल नहीं कहनी किसी ने लंघे जाते हैं तुम इन्नी जहर उगलते हो कोई यह चज का काम करो जो कर सकते हो तुम कला एन एस ए लाने जानते हो तुम सू डरा डरा के उत्ते थे राज करना जानते हो आ कुछ तो पहला भी करी जाते तुम कद बदला लेके आ गए फिर अज 36 दिन हो गए थो तो एक बंदा नहीं फड़िया गया नजाए जाते फड़ फड़ के जेलां भर्ती जाके निगरू कर दी हूं इन्होंने मेरी बोलबाणी तो कोई शब्द नहीं लभ रहा भी मैं ये परचा कहते दे मैं कह रहा कि मेरे को फोन है मेरी श्रीमती का फोन है मेरे जवाक का फोन पुलिस नहीं कर सकते तुसी एक सिंगल कॉल साडी किसी गलत बंदे ना साबित कर दो थोड़े को एजेंसियां ने थोड़े को सारा सिस्टम आई टी सैल थोड़े को सारा जे कोई बंदा फिर भी असि भोले हाँ भी मेरा पुत भी यह गल कहता असि सीधे साधे सानू बिकवा नहीं आते सबर है साडा असि रौला नहीं पाते मैं भी वह प्यो नहीं जे वह सबर करता सी तो सबर मेरे तो सीखा और मैं तो वह तो भी बजाने फकर बंदा मैं बहुत शरीका करके किसी के मगर पैन वाला बंदा चुने सा सबर है सानू मिल आ शरारती साढ़े अक्स न खेड दशिशा करते हैं ठीक है कि सादगी के कुछ बोल भी जाना मैं ऐडा चलाक नहीं कि मैं दिल की गल छपा ला मैं उपरों कुछ होर दिखा मैं अंदरों कुछ होर दिखा भीरों मैं सीधा सदा मेरे को जो गल मेरे ढिड से मेरे जबान से आ ही जाती है मैं झूठ नहीं बोल सकता मैं छपा इन्होंने लोगों कदर चलाकियां ना मैनू आनियां ना मेरे जवाक में आनी इसे करके असं मार खा पर सू माण भी है असं आपके गुरु पीर पुरखों के दसे राह चलते हैं ये साढ़े वादे करते भी होंगे सू मंजूर है पहला भी बड़े गल है हम इस बाद साढ़े घर में जिंदा की लाओगे हम भी बड़िया सियासत एक पूरी टीम इलेक्शन तो पहला कोई ना कोई
सप कटूगी क्योंकि इन्होंने पूरा यकीन होया पे भी ये बंदा जलंधर जाऊगा सोना नहीं ना अलग ठीक है मेरा मैं भी कदम गुस्सा आंदा है यार जाके मैं लोगों ने क्योंकि जे मेरी किसी कोच ने नहीं सुनी मेरी किसी लीडर ने नहीं सुनी यार मैं पब्लिक ने करना आपकी अपील जाके रखी सकता मेरे से दस कर लो यार इलेक्शन फिर भी होनी है पर ऐसा इन्हू पता लग जे असं गलत फैसले करते हैं इन्हू पता लग जे भी यार एक बच्चा 30-35 साल जाके परवान चढ़ता मां बाप का यार मैं छोटे जे चक चक के कितों डिग्रियां करवाउण तक कि संघर्ष किया उस बच्चे ने खातर मेरे को इनकम सोर्स की सी यार मैं रात को ड्यूटी करता सी दिन मैं खेती करता सी चुल्हा चौंका साहब के स्कूल चलाउंदी सी फिर असीं दो जी दोनों शिफ्टां दे विच 24 घंटे सानूं सुत नहीं लैंदी सी दामा साहब मेरे तो 27 किलोमीटर दूर है मैं अज तक विसाखी ते नहीं गया कदे किसे ने साडा जिंदगी का स्ट्रगल नहीं देखा हां मेरा पुत सरकार कईयों नूं चुभण लग गया ओहदे पिछे सारी दुनिया पै गई तुसीं कनेडा तक चक लिया तुसीं इन्हें आपू अति आलू डैपर लेके ओहदे पिछे पै गए पर तुसीं साडी मजबूरी नहीं देखी हुण सासों ओहदा शरीर खोलिया साडे कोल ओहदी बची है कल्ली आत्मा मेरे कोल बची है मेरे पुत दी रेपूटेशन मेरे पुत दी कमाई हुई इज्जत हूं उन्होंने खोह दाल चल शुरू हो गई ने जिड़िया जमा चरम सीमा के उत्ते हैरान ना हो आने वाले दिनों के कोई यह बरबूका क्ढने सिद्धू तो ये था सिद्धू तो वो था नैशनल मीडिया सारा पप्पा भार हो फिरते हैं पर सानू अपने अकाल पुरख के वाहगुरु के भरोसा है साढ़े पते सच है असी सच के बिलकुल ਕੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜਮਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਬਾਕੀ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗਲਤ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਬਜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਬੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂ ਇਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।